जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 से 3 साल का बच्चा बहुत तीव्र गति से विकासशील होता है और ऐसे में उसके शरीर को ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आहार आप अपने बच्चे को दे रहे हैं उसमें इतना पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स हो जो बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ऐसे में आप बच्चों के आहार में पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए ये चीज कर सकती हैं जिससे बच्चों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व शरीर में पहुंच सके। तो इसके लिए आपको काजू और बादाम को तवे पर हल्का भूनने की जरूरत है, उसे ग्राइंडर में भी पीस लें। पिसे हुए काजू और बादाम के पाउडर को एक एयरटाइट डब्बे में बंद कर दें। जब भी आप हलवा या बच्चे के लिए पुडिंग बना रहे हो तो उसमें 1 चम्मच काजू और बादाम का पिसा हुआ पाउडर पकाते वक्त मिला दें। काजू और बादाम का पाउडर इतना बनाएं कि वो महीने भर के अंदर ही समाप्त हो जाए। वहीं बच्चों का आहार तैयार करते वक्त उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिला सकते हैं जैसे कि चीज, दही, पनीर। इससे बच्चे में कैल्शियम की आवश्यकता पूरी होगी। पुडिंग या हलवा बनाते वक्त आप बच्चे के भोजन में शुद्ध देसी घी मिला सकते हैं। वहीं जब बच्चा सुबह सोकर उठता है तो आप उसे 1 कप दूध के साथ 2 बादाम दे सकते हैं। बादाम को तैयार करने के लिए उसे रात भर पानी में भिगो दें। बच्चे को सुबह देने से पहले उसका ऊपर का पूरा छिलका निकाल दें। इसे हमेशा ताज़ा तैयार किया हुआ ही बच्चे को दें। वहीं डबल रोटी देते वक्त आप उसमें अच्छे से मक्खन लगा कर रख सकते हैं। डबल रोटी के साथ आप बच्चे को ऑमलेट भी दे सकते हैं। क्यूरियन हेल्थ एक्स की रिपोर्ट।